Hello everybody, welcome to An Academy YouTube channel for your CAT preparation. I'm your own Ashish Kumar, taking this journey a session ahead today with a session on cubes and cuboids. Actually, ये दूसरा session है for cubes and cuboids and 29th session है logical reasoning में. Okay, so this is my duty to let all the newcomers know that पहले के 28 lectures, they are quite structured and organized in my playlist. आपको क्या करना है? An Academy CAT को subscribe करना है. Look for the playlist of logical reasoning. वहाँ पे आपको 1 to 28 सारे lectures order में मिल जाएंगे. ठीक है? So don't worry. फटाफट देख लेते कितने लोग आ गए हैं. कुछ लोग तो पता है lag लगाया है क्या सर? Lag लगाया है. आदित्य वेलकम, सुप्रिया समझा नहीं बट आप क्या बोल रहे हो, जतिन वेलकम, आचल, शेल्डन बहुत दिन बाद दिखे आप, रोहित, एकलव्य, मंगेश, शिवम, नहीं होगा किसी का कैट क्लियर, कोई बात नहीं बेटा, लाइफ इज बियॉन्ड कैट, डोंट वरी, लाइफ इज बियॉन्ड कैट. वेलकम अनुराग, ईशा, वेदांत. So let me quickly introduce myself yet another time. I am your own Ashish Kumar. I am an ex-time faculty. Yes, I did work there for roughly 8 years. 8 saal kaam kiya maine. And like I produce every student, every year a student who scores more than 99.9 plus percentile. Kal mujhe rakhi khol dena chahiye tha. Nahi, kyun kholne ka rakhi? शुभम क्या हुआ बेटा, मी व्हाट फॉर. अभिनव हेलो बेटा, हेलो अदर्स, हेलो टॉक्सिक फोटोशॉप. दोस्त हुआ रही हूं, आपको क्या करना है, आपको हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. यस, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन, नोट्स मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे सब मिल जाएगा, सारे लेक्चर्स के नोट मिल जाएंगे आपको और आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिलते जाएंगे. सब्सक्रिप्शन, यस, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में बहुत ज़रा बताना है, इस लाइक आपको पता ही है. इफ यू आर लाइक कंफ्यूज्ड, थोड़े भी कंफ्यूज्ड हो, गो विथ इट. आपको नहीं पता कैसे प्रिपेयर करना है, गो विथ इट. सिलेबस नहीं पता, गो विथ इट. नहीं हो रहा है प्रॉपर प्रिपरेशन, गो विथ इट. देयर शुड नॉट बी डबल थॉट. ठीक है, आई डोंट से कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता, यस yes, हो सकता है. इफ यू हैव अ क्लियर माइंड, क्लियर रिसोर्स एंड यू हैव अ मेंटर. इफ यू लैक एनीथिंग ऑफ देम, इफ यू लैक एनीथिंग ऑफ दैट, so like this subscription can actually help you. And now for the beginners, jo log abhi shuru kar rahe hain, I cannot see like CAT coming in 3.5 months with the help of self study, it's very difficult. Subscription is one such thing which can help you prepare in under 3.5 months. Yes, it can do this. You can apply my code if you wish to, the choice is completely yours. You can apply any code of your choice. Mera lagaya to you show some respect towards me. And you will get like a discount on the price, like all the courses they give you 10% discount. This would be the final price for 1 year, and this would be the 18,900 is the final price for 2 years. I personally recommend ki either 1 saal ya 2 saal ka lena, because comparatively bahut sare benefits hai. Prices wagera compare karoge, you are mature enough to compare this. Okay? Yes, at the end of the day, learning is important. Dekha sir, aaj mere supporters bhi aa gaye. Let me check who all are here again. Achal, yes. Supriya, ठीक है. वेदांत, ईशा, काजल, शिवम, चंद्र, तुम ही विनोद हो. विनोद, काजल, ignore it बेटा. राखी नहीं खोलना चाहिए था. अभी नजर लगा रहा है शिवम. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी. Everything depends on your hard work. सरकास्म, वेलकम गिरीश, स्मिता, आदित्य, अरुणा, मतलब ध्रुव, डॉली, कृतिका, आई वेलकम ऑल ऑफ यू. ठीक है, चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडे सेशन. जबरदस्त सेशन होने वाला है. हम लोगों ने कल क्या किया था, हम लोगों ने कल क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स शुरू किया था और बेसिक्स कर लिया था. वेलकम वंशिका, बेसिक्स कर लिया था. बेसिक्स मतलब छोटे मोटे प्यारे प्यारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे. तो कल हम लोगों ने ये सम कर लिया था, क्वेश्चन वन कर लिया था, यस. क्वेश्चन टू कर लिया था, यस. क्वेश्चन थ्री कर लिया था लाइव क्लास में, यस. क्वेश्चन फोर कर लिया था, यस. द आंसर टू दिस वाज हाउ मेनी कट्स आर रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 512 पीसेस. द आंसर वाज कैन नॉट बी डिटरमाइंड
because the minimum number of cuts required is how much? 888. 512 pieces है ना? Yes, तो minimum cuts required is 21 and maximum is 511. ये हम लोगों ने कल कर लिया था. Yes, तो quickly कंटिन्यू करते हैं. कल जहां छोड़ा था, इन पांचों के आंसर्स दे दो फटाफट. इन पांचों के आंसर्स दे दो फटाफट. चलो, वेलकम बादल, वेलकम किरण, प्रतीक बेटा वेलकम, टप्पू वेलकम, शुभांगी अटली वेलकम. चलो फटाफट इसके आंसर्स दे दो. हम लोगों ने कल किया है ये, हम लोगों ने कल किया है ये. फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इन टू, 294 पीसेस, 150 पीसेस. अब पांचों के आंसर्स एक साथ दे दो. आई गिव यू रफली 2 to 3 minutes, नॉट मोर देन दैट. 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास. फटाफट कर दो आंसर. पांचों आंसर्स एक साथ देना आप लोग. पांचों आंसर्स एक साथ देना. 1 2 3 4 5 के आंसर्स फटाफट एक साथ दे दो. बेबी क्वेश्चन सही है. क्यूब्स इज सो कंफ्यूजिंग कि हम लोगों ने स्क्रैच से शुरू किया है और एडवांस लेवल तक जाएंगे. आदर्श क्या है बेटा ये? What is the minimum possible number of cuts required to cut a cube into 294 pieces? 293 कैसे हो गया छोटू? That is maximum number of cuts required बेटा. That is maximum number of cuts required. अनुराग, योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट. फटाफट पांचों के आंसर दे दो. वी हैड टू मूव टुवर्ड्स सिमेट्रिसिटी. अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो 294 का प्रोडक्ट इज 7 × 7 × 6. सो कट्स रिक्वायर्ड आर 6 + 6 + 5 विच इज 17. टॉक्सिक कल हम लोगों ने शुरू किया था बेटा ये. यस, कल शुरू किया था. कल का सेशन देख लेना छोटू, आपको आइडिया लग जाएगा. 150 पीसेस, 5 × 5 × 6. यस, सिमेट्रिसिटी. ठीक है, जिन्होंने कल का क्लास नहीं किया था, इससे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी. इसके बाद नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. ठीक है, तो 4 + 4 + 5. यस यस बॉयज, करेक्ट. 210 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 210 के लिए आई कैन राइट 5 × 6 × 7. द बेस्ट पॉसिबल बाइफर्केशन 4 + 5 + 6 गोज एज 15. 343 के लिए, 343 इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. 7 × 7 × 7, तो आंसर शुड बी 6 + 6 + 6 = 18. यस, एंड द लास्ट वन इज 324. इट गोज लाइक 6 × 6 × 9, द बेस्ट पॉसिबल बाइफर्केशन 5 + 5 + 8, इट हैज टू बी 18. So these are the potential answers, 17, 13, 15, 18 and 18. Jinko doubt hai, they should like see yesterday's lecture. Hardly 35 minutes ka lecture hai. Go through it, aapko clear ho jayega, humne kya kya kar rahe. Theek hai? Let's start with a new concept. Yes. 17, 13, 15, 18. Yes, Shubhangi, correct. चलो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. और यहां पे न्यू कॉन्सेप्ट शुरू करना है तो वी विल से हैशटैग लेट्स क्रैक इट. टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ड्रॉ स्पैम इट. अदर्स कल का लेक्चर देख लो बेटा, इट वुड बी लाइक बेटर, क्योंकि अभी अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो फिर ये पूरा लेक्चर निकल जाएगा. यस यस आकाश, आप इस तरीके से समझ लो. यस, अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो एक ही डायरेक्शन में कंसिडर करना होता है, तो व्हाट डायरेक्शन इज एन एक्सिस. यस बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, इट अलाइंस विद व्हाट वी हैव लर्नड.
चलो बिफोर मूविंग अहेड आई आई आज मुझे ना ये कोट मिला कहीं पे। खुश रहो रिशु, आज मुझे ये कोट मिला कहीं पे, ठीक है। द कोट गोज लाइक दिस, आप आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज करते हो ना, वो बहुत डरावना होता है। यस, मेकिंग अ बिग लाइफ चेंज इज प्रीटी स्केरी। ये कोट मुझे मिला आज, किसने भेजा, आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस विथ यू गाइस, ठीक है। जब आपकी लाइफ में आप कोई बहुत बड़ा चेंज करते हो तो इट इज प्रीटी स्केरी। जैसे अगर मेरी बात करें तो मैंने जब पहली बार अपना घर छोड़ा था, मैं 12th से जब कोटा जा रहा था तो मेरे दिमाग में इतने थॉट्स थे कि फैमिली से दूर जा रहा हूँ, जिनके साथ मैंने 15-16-17 साल निकाले उनसे दूर जा रहा हूँ, मम्मा के बिना कैसे रहूंगा। आई वॉज क्राइंग लिटरली फॉर लेट मी से 1 complete month, ठीक है। बट देर इज समथिंग मोर स्केरियर, और भी कुछ डरावना है इससे भी, अ बिग लाइफ चेंज से भी डरावना कुछ है, विच आई फेल्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बताओ वो क्या हो सकता है, आप लोग अपने अपने आंसर्स दो, ठीक है। और ब्रॉड सेंस में देना, ये मत बोला सर पत्थर लग गया तो दर्द हो रहा, हाथ टूट गया तो वो स्केरी है, नहीं, एक ब्रॉडर लाइफ के सेंस में आप एक आंसर दो, आपको क्या लगता है। वन ऑफ यू आर सेइंग फियर ऑफ फेलियर, staying with that fear, yes, Vanshika says staying with fear, stopping regret, yes, the answer to this question that I felt, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे आंसर दे रहे हो, पता है, not making a big life change, नहीं, to be a failure in life, नहीं, failure in life होना is not a scary, क्योंकि देखो फेलियर लाइक इफ यू हैव ट्राइड योर बेस्ट उसके बाद फेल हो रहे हो तो दैट इज नॉट स्केरी। आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके बाद फेल हो गए तो दैट इज नॉट स्केरी, ठीक है। दिस रेग्रेट इज मच मोर स्केरियर, इट इज मच मोर स्केरियर, बिलीव मी। अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा आपकी लाइफ का जो रेग्रेट है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रेग्रेट, ठीक है, मैंने उसको दूर किया, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कभी भी। आई ऑलवेज वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। आई एम ऑलवेज अ फैमिली पर्सन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। व्हाट आई डिड वंस इन माय लाइफ, एक बार मैंने क्या किया था, व्हेन आई वाज स्मॉल किड, ना स्मॉल किड मतलब जब मैं मेरे स्कूल में था, आई वॉज लाइक अ वेरी ब्राइट किड इन स्पोर्ट्स, इन स्टडीज, मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स, एंड आई वॉज प्रोडक्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, मैं एक केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट था, इट वॉज केंद्रीय विद्यालय पटना, आई वॉज स्टडिंग इन केंद्रीय विद्यालय पटना, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ स्टैंडर्ड 9th। व्हेन आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th ना, मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे एक, ठीक है, वो पढ़ाते थे, एंड आई वॉज लाइक कि मेरा मैथ स्ट्रांग है, मुझे केमिस्ट्री की जरूरत नहीं। सो मेरा एक बुरा ईगो था, बैड ईगो, आई वॉज एन ईगोइस्टिक स्टूडेंट देन, बहुत ईगो वाला था, आई वॉज नॉट अ गुड बॉय, आई वॉज एक्चुअली नॉट अ गुड बॉय। एक बार क्लास में मैं लेट आया और सर को पता था ही इज एन इगोइस्टिक बॉय, सर ने मुझे डांटा, मैं भी घुस के आके क्लास में बैठ गया, आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट। सर ने मुझे डांटा कि तुम किस बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए, मैंने बोला कि परमिशन की जरूरत है, दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, मैं फी पे करता हूं, दैट वॉज सच अ बैड स्टेटमेंट दैट आई मेड, ठीक है। सर ने बोला कि चलो तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं, ठीक है, सर ने बोला चलो तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं, मैं उठा, Now that was a bad move, the baddest move of my life. मैं उठा, मैंने सर का हाथ पकड़ा और बोला कि आप क्या लेकर जाओगे, मैं आपको प्रिंसिपल के पास लेकर जाता हूँ, ठीक है। और मैं उनको लेकर जाने लगा, लिटरली मैं उनको लेकर प्रिंसिपल के पास जाने लगा। हाफ वे मार्क पे सर सेड कि जाने दो, इग्नोर करो, आई एम सॉरी, सर ने बोला आई एम सॉरी, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक प्राउड, और सर ने मतलब फिर उस बार मुझे कभी नहीं डांटा, मुझे कभी क्लास में आने के लिए नहीं डांटा, कभी जाने के लिए नहीं डांटा, और कभी मेरा कुछ बुरा नहीं किया। बट दैट रिग्रेट, जब मैं बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, तो मुझे समझा कि मैंने वो कितना बुरा किया था। सर इतने सीनियर, इतना एफर्ट लगा रहे थे सर, और मैंने उनके साथ ऐसा किया,
आई वॉज लाइक लिटरली आई क्राइड लॉट ऑफ टाइम्स. मैं चाहता था कि सर से जाके मिलूं, लेकिन इतना बिजी हो गया मैं मेरे लाइफ में, इतना मैं बहुत थर्यूड, मैं इतना बिजी हो गया लाइफ में, लेकिन मुझे जब याद आता था स्कूल का, स्कूल की अच्छी बातें बाद, और ये एक अकेली चीज उस पर हावी हो जाती थी. मैं 4 साल पहले जाके सर से मिला 2015 में, जाके मिला, आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ हिम, ही सेड इट्स ओके यू आर ग्रोन अप. उस दिन जाके मुझे हल्का लगा. सो दैट रिग्रेट, आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा मत करना. रिग्रेट इन योर सेंस कुड बी मेकिंग वाइज डिसीजंस. ठीक है बॉयज, यू हैव टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम. रिग्रेट एक बार आपकी जिंदगी में आ गया ना, आपको क्या रिग्रेट आ सकता है? काश मैंने 2020 में प्रिपेयर किया होता, काश मैंने 2020 में प्रिपेयर किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती. मेरे मुझे ये लाइफ का कोई रिग्रेट नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम. मुझे रिग्रेट था व्हाट आई डिड टू दैट पर्सन. उसको सुधारने के लिए मुझे कंप्लीटली 12 साल लग गए. सो डोंट डू दिस. ठीक है चलो. सो नाउ आई एम हैप्पी सर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ मी. अब कोई दिक्कत नहीं है. नाउ अब मैं लाइट भी फील करता हूँ. एक रिग्रेट आपके भी जिंदगी में आ सकता है, इफ यू डोंट वर्क टूडे, स्टार्ट वर्किंग टूडे. चलो. यस 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 भूतनाथ रोड. यस भूतनाथ रोड में पानी टंकी के पास मेरा घर है. लेट्स मूव अहेड. क्यूब्स क्यूब्स चलो क्यूब्स. ठीक है चलो. क्यूब्स में क्या होता है ना, क्यूब्स में क्या होता है, आ जाओ आप टॉपिक पे आ जाओ. कहां गया मेरा पेन, कहां गया मेरा पेन? गिव मी अ मिनट बॉयज. Give me a minute. Where is my pen? चलो आपके सामने एक क्यूब है. ठीक है आपके सामने एक क्यूब है. दिस इज द क्यूब. अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, अब आते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में. ठीक है Now we have made two cuts along length. We have made two cuts along breadth and two cuts along height. ठीक है we have made two cuts along length, two cuts along breadth and two cuts along height. सर का मेरे भी एक अभी देखिए रिग्रेट है. गुड इवनिंग विशाल, रिग्रेट निकाल देना बेटा, कोई नहीं मिलता तो कॉल मी. चलो अच्छा आप मुझे बताओ, a cube has three parameters length, breadth and height. ठीक है लेंथ से बेटर है इसको बोलेंगे edges. A cube has three parameters. The parameters are edges, vertex and faces. ठीक है आप फटाफट बताओ, a cube has how many vertex and a cube has how many faces. फटाफट बताओ. देखो बड़ा बेसिक से करेंगे, क्यूब आपका कभी रॉन्ग होगा ही नहीं. ठीक है आप मुझे फटाफट बताओ, a cube has how many vertex, how many edges and how many faces? A cube has how many vertex? Vertex are 8. 8 corners. This is a vertex. This is a vertex. This is a vertex. This is a vertex. A cube has 8 vertices. ठीक है? How many edges are there in a cube? How many edges are there in a cube? Yes, edges are 12.
four along length, four along breadth, four along height. And a cube has six faces. A cube has six faces. Ye basic parameters hai. Theek hai? What we have done to this question, we have made two cuts along length. Dekho, agar maine isko length le liya, is wale ko length le liya. So I have made two cuts along the length. Isko agar breadth le liya, I have made two cuts along breadth. And I have made two cuts along height. Theek hai? So, and the cuts are identical. The cuts are identical. I'll ask a few questions. Identical matlab equally spaced. Equally spaced. And assume this to be a solid cube. Assume this to be a solid cube. Assume this to be a solid cube. So I'll ask you a few questions. Answer me those questions. Okay, I'll ask you a few questions. Answer me those questions. The first question is, how many total number of smaller cubes will be formed? Now, if I have made two cuts along length, two cuts along breadth, and two cuts along height, this will result into formation of smaller but identical cubes. The cuts are identical. वो जो length पे दो cut है ना, वो equally spaced है. जो breadth पे दो cut है ना, देखो वैसा ही है ये. Breadth पे जो दो cut है, equally spaced है. Height पे जो दो cut है, वो equally spaced है. ठीक है? So you tell me. कि दिस विल रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर बट आइडेंटिकल क्यूब्स. हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, दे आर 27. यस, विजुलाइज करो. एक बार आपने विजुलाइज करना सीख लिया, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है? सो टोटल तीन लेयर में कट गया है. यस, ईच लेयर हैज 9 क्यूब्स. Each layer has 9 cubes and you have 3 layers. So answer should be 3 into 9, 27. Yes, sir. Acha, of these 9 cubes, of these 27 cubes, how many cubes are painted on 3 faces? Aap ye batao. How many cubes are painted on 3 faces? Kitne se cubes hai jo 3 faces pe painted hai? My second question. How many cubes are painted on 3 of the faces? How many cubes are painted on 3 of the faces? Yes, 8 na? Acha, 3 face painted ka location kaha hai? Where they can be found? 3 faces painted ka location is always vertex. Either they would be found on vertex or they will be found nowhere. Either they will be found on vertex or they will be found nowhere. ठीक है? So हम लोगों ने सीखा था कितने vertex होते थे? 8. Yes. On each vertex I have 1 cube. So in all 8 cubes. Next question coming. How many of the cubes are painted on 2 faces? How many of the cubes are painted on 2 faces? Yes, on the vertices. आपको याद रखना है, काउंटिंग मत करना हमेशा, लोकेशन याद रखना. How many of the vertices are painted on 2 faces? अच्छा, where are they found? 2 faces वाले कहां मिलेंगे आपको? 2 faces वाले कहां मिलेंगे? 24 कौन बोला? वेदांत 24 है क्या? रशियन पोस्ट 24 है क्या? 2 faces वाले मिलेंगे आपको. देखो यहां पे ये है 2 faces. They are always found on middle of edges. यहां पर on each edge, this is one edge. इस edge पे देखो A B C, this is one edge. इस एज पे एक क्यूब है. इस एज पे सी डी एफ, सी डी ई वाले एज पे भी एक क्यूब है, डी. करेक्ट? सो व्हाट वी कैन से, दे आर फाउंड ऑन द मिडिल ऑफ द एजेस. ऑन ईच एज आई हैव 1 सच क्यूब. इन ऑल देर आर 12 एजेस. सो आई विल मल्टीप्लाई दैट बाय 12. आंसर वुड बी 12. यस.
वन फेस पेंटर इनका लोकेशन कहां होता है? सिंगल फेस पेंटर इनका लोकेशन क्या है? सिंगल फेस पेंटर का लोकेशन, यू शुड गो बाय लोकेशन. यस, मिडिल ऑफ फेस. ठीक है, जैसे ये हो गया वन. यस, सेंटर ऑफ फेस. और इस केस में हर फेस पे आई हैव वन सच क्यूब. आई हैव सिक्स सच फेसेस. आंसर शुड बी सिक्स. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. नो फेस पेंटेड वाले कहां से आएंगे? अंदर से आएंगे. दो तरीका है निकालने का. पहला क्या बैक ट्रैक कर लो. 8 + 12 + 6 कितना होता है? 26. टोटल है 27. तो एक पहला मेथड ये. दूसरा मेथड क्या है? दिस इज अ 3 बाई 3 का क्यूब. अगर आप दोनों तरफ से एक एक लेयर कट कर दोगे, अंदर से जो क्यूब निकलेगा उसका डायमेंशन क्या होगा? अंदर से. ये दूसरा मेथड. यस, वन इज द करेक्ट आंसर. वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द अप्रोच. अगर ये 3 बाई 3 बाई 3 का क्यूब है, अगर आपने कट किया, अंदर से जो सॉलिड क्यूब आएगा, अंदर से जो क्यूब आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा? 1 बाई 1 बाई 1. आपने इधर से भी एक निकाल दिया, इधर से भी एक निकाल दिया, करेक्ट. आपने ऊपर से भी निकाल दिया और एक नीचे से भी निकाल दिया. तो डायमेंशन इज गॉट बाय रिड्यूसेस बाय इटसेल्फ बाय 2 यूनिट्स इन ऑल द एक्सेस. सो आंसर शुड बी 1 × 1 × 1 × 1. इनिशियली कितना था? 27. 3 × 3 × 3. दिस कुड बी द सेकेंड मेथड. ठीक है, चलो समझा. वी विल ट्राई दिस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या है? अगेन आई हैव अ सॉलिड क्यूब एंड आई हैव मेड थ्री कट्स अलॉन्ग ब्रेथ एंड थ्री कट्स अलॉन्ग हाइट. आई हैव लाइक थ्री कट्स अलॉन्ग लेंथ. 1, 2, 3. आई हैव थ्री कट्स अलॉन्ग ब्रेथ. 1, 2, 3. एंड आई हैव थ्री कट्स अलॉन्ग हाइट. 1, 2, 3. ठीक है, 1, 2, 3. So if this is the case, I'll repeat my questions. This gives me a cube whose dimensions are 4 by 4 by 4. If I have made 3 cuts, the pieces would be 4, 4, 4. Correct? This gives me a cube whose dimensions are 4 by 4 by 4. This is like 4. This entire thing is 4. And this height is 4. करेक्ट. आई हैव द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन. फटाफट बताना बेटा. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स. सेम सिनारियो. इस बार क्या है? क्यूब थोड़ा बड़ा लिया. टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड वुड बी यस, इट वुड बी 64. करेक्ट. चार लेयर में बट गया. एक लेयर पे यू हैव 16 क्यूब्स. फोर लेयर पे यू हैव 4 × 16. अगेन थ्री फेसेस पेंटेड वाले कितने होंगे? थ्री फेसेस पेंटेड. फटाफट बताओ, विजुलाइज करो. थ्री फेसेस पेंटेड वाले कितने होंगे? If you boys feel like contacting me for anything, contact me on my contact number. You can WhatsApp me, you can directly call me. I don't mind. You can call me by 2 p.m. tonight. कोई दिक्कत नहीं है. Or any day, on any given day. Three faces painted would be 8. कहाँ पे? Corner वाले. इस वाले diagram में blue वाले. Blue ones.
चेक द लोकेशन, थ्री फेसेस पेंटेड आर ऑलवेज फाउंड ऑन द कॉर्नर्स, टू फेस पेंटेड, फटाफट बता दो बेटा, टू फेस पेंटेड हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, टू फेस वाले कहां मिलते हैं, मिडिल ऑफ द साइड्स, टू फेस वाले मिडिल ऑफ द साइड्स, मिडिल ऑफ एजेस, टू फेस पेंटेड मिडिल ऑफ द एजेस, यस, ऑन ईच एज, ईच एज चार क्यूब है आपके पास, कोई भी एज देख लो, आपके पास कितने क्यूब है, चार, करेक्ट, चार में मिडिल में कितने हैं, दो, कॉर्नर वालों को इग्नोर करो, बीच में आपको दो मिलेंगे, सो एक एज पे यू हैव टू, टोटल यू हैव 12 एजेस, इट हैज टू बी 24, ठीक है, वन फेस वाले कितने मिलेंगे, वन फेस वाले कितने मिलेंगे, यस, वन फेस दे आर फाउंड ऑन द मिडिल ऑफ द फेसेस, तो एक फेस पे आपके पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, एक फेस पे आपके पास चार है और टोटल छह फेसेस है, 24, नो फेस पेंटेड, मैंने बोला आपके पास दो मेथड थे, पहला क्या, बैक ट्रैक कर लो, टोटल ऐड कर लो, 8 + 24 + 24 = 56, दिस शुड बी लाइक 8, ठीक है, और द सेकेंड मेथड इज द डायमेंशंस ऑफ दिस क्यूब इज 4 by 4 by 4, अगर आप कट करोगे अंदर से जो अनपेंटेड क्यूब निकल के आएगा उसका डायमेंशन वुड बी 2 by 2 by 2, तो नंबर ऑफ क्यूब्स वुड बी 8, यस और नो, यस, हियर लाइक, अब इसके लिए ना वी हैव फॉर्मूलाज एज वेल, फॉर द सेम वी हैव फॉर्मूलाज एज वेल, कुछ गधे लोगों ने फॉर्मूला भी बना रखा है, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला इन्वॉल्व्स n, सबसे पहली बात फॉर्मूला इन्वॉल्व्स n, फॉर्मूला n के टर्म्स में, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ क्यूब्स पर एज, n is number of cubes per edge, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, टोटल क्यूब्स इज n क्यूब, ठीक है, थ्री फेसेस पेंटेड आइडियली इज ऑलवेज एट, आइडियली, अगर कोई भी मैनिपुलेशन है यू हैव टू चेक अकॉर्डिंगली, ठीक है, टू फेसेस पेंटेड इज n माइनस 2 × 12, सिंगल फेस पेंटेड इज n माइनस 2 whole square × 6, एंड लास्ट नो फेस पेंटेड is n माइनस 2 cube, ये कुछ गधे लोगों ने फॉर्मूला बना के रखा है, ठीक है, फॉर्मूला कभी भी यूज मत करना, ठीक है, क्यों नहीं यूज करना है फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूला हैज लिमिटेशंस, लिमिटेशन क्या है फॉर्मूलाज की, देखो हमने ऐसे ही कर लिया बड़े आसानी से, ठीक है, हमने ऐसे ही बड़े आसानी से कर लिया, फॉर्मूला से लिमिटेशन क्या है, देखो लिमिटेशन जानना आपका जरूरी है, पहला दिस फॉर्मूला इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्यूब, आइडियल क्यूब पेंटेड अनबायस्ड ऑन ऑल सिक्स फेसेस, अगर क्यूब की जगह क्यूबॉइड आ गया फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्यूब की जगह क्या आ गया, क्यूबॉइड आ गया, फॉर्मूला वैलिड नहीं है, अगर आपने सारे के सारे फेसेस पे सिमेट्रिसिटी से पेंट नहीं किया फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है, सो आप कुछ भी ऐसा थोड़ा भी मैनिपुलेट करते हो फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, सो आई पर्सनल, और अगर आइडियल क्यूब है पेंटेड ऑन ऑल सिक्स फेसेस है तो ऐसे ही बड़े आसानी से निकल जाता है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है,
फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, बट अगर फॉर्मूला ही यूज करना है तो इस वाले क्यूब के लिए n was 3 फॉर दिस क्वेश्चन, और इस वाले के लिए n was 4, इस वाले के लिए n was 4, ठीक है। तो बट आई पर्सनली रिकमेंड कि आप फॉर्मूला यूज मत करना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्विकली करेंगे, फटाफट करेंगे। अ क्यूब इज पेंटेड, दिस कुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ क्यूब इज पेंटेड एंड कट इनटू 343 स्मॉलर बट आइडेंटिकल पीसेस बाय मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स। अ क्यूब इज पेंटेड एंड कट इनटू 343 स्मॉलर बट आइडेंटिकल पीसेस बाय मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स। सार्कास्म सबके बुक में है यार, सबके बुक में है। वेल, गधा बोलने के मतलब उनको नहीं था, ही इज अ ग्रेट फैकल्टी, इज अ ग्रेट फैकल्टी यार। अगर ऐसा कुछ प्रश्न से निकल गया, इग्नोर इट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी द स्मॉलर पीसेस ऑफ एग्जैक्टली 3 फेसेस पेंटेड, फटाफट बताओ। हाँ ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 7 by 7 by 7 मतलब 6 कट्स, मतलब n इस केस में 6 हो जाएगा, n in this case would be 6, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर पीसेस हैव एग्जैक्टली 3 फेसेस पेंटेड, आंसर दिस क्वेश्चन, #6 and then your answer. Yes. How many smaller pieces have exactly 3 faces painted? Ideal scenario hai. The corner ones, 8 would be the answer. Attempt this question. How many of the smaller pieces have exactly 2 faces painted? Hashtag deke aapka answer do. How many of the smaller pieces have exactly 2 faces painted? ठीक है, तो ये क्यूब है 7 by 7 by 7 का। अगर हम लोग विजुअलाइज करेंगे तो 2 faces painted, इसका मतलब क्या है, n for this question is 7, on each edge I have 7 cubes। अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो एग्जैक्टली 2 faces painted वाले edges पे मिलते हैं, there are 12 edges, और ईच एज पे द मिडिल वंस 7 क्यूब है, 7 में 5 क्यूब्स आर पेंटेड ऑन 2 फेसेस, आंसर शुड बी 60, 7 क्यूब्स है एज पे, 7 क्यूब्स है, 1 2 3 4 5 6 7, कॉर्नर वालों को छोड़ के 5 into 12 would be 60. Move to the next question. How many of the smaller pieces have exactly 1 painted faces? Hashtag 8 and then your answer. #8, then how many smaller pieces have exactly 1 face painted? Yes, it is 150. Perfect. 7 by 7 ka ek face hai. We know that 1 face painted, they are located on the middle of the faces. Ek face 7 by 7 ka ho jayega. Yes, this is 1 face. 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ये हो जाएगा सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन. यू डोंट वॉन्ट द कॉर्नर वंस, आपको कॉर्नर वाले नहीं चाहिए. तो वॉट इज द डिमेंशन लेफ्ट, वॉट इज द डिमेंशन लेफ्ट, डिमेंशन लेफ्ट इज फाइव बाई फाइव, दिस इज द क्यूब ऑफ फाइव बाई फाइव. सो एक फेस पे आपके पास कितने हैं, 25. यू हैव सिक्स फेसेस इन ऑल, सो 25 वुड बी मल्टीप्लाइड बाई सिक्स, दैट इज 150. 150 शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Hi Paras, attempt this question. How many of the smaller pieces have no faces painted? How many of the smaller pieces have no faces painted? 7 by 7 by 7 ka cube hai. Correct. 7 by 7 by 7 ka cube hai. How many of the smaller pieces have no faces painted? No faces painted is 7 by 7 by 7 का क्यूब है. अंदर से जो क्यूब आएगा उसका लेंथ वुड बी 2 यूनिट शॉर्ट, ब्रेथ वुड बी 2 यूनिट शॉर्ट एंड हाइट वुड बी 2 यूनिट शॉर्ट. इट वुड बी 5 इंटू 5 इंटू 5, 125. 125. Yes, this should be the answer to this question. Chalo, moving ahead to the next question. Take this, फटाफट करो. क्या हो गया काटो? काटो नहीं है, CXDSTG. A cube is painted and cut into two 10 smaller but identical pieces by making the minimum possible number of cuts. No face painted का मतलब बेटा अंदर से जो आता है, आप क्यूब को कट करोगे तो अंदर से जो पार्ट निकल के आता है, ठीक है. चलो, two 10 smaller but identical, तो two 10 smaller but identical मतलब क्या, 5 into 6 into 7. So we are speaking of a cube जिसका dimension है 5 into 6 into 7. Yes or no? Yes or no? 5 into 6 into 7. So how many the smaller pieces have exactly three faces painted? Again corner वाले सारे, the answer is 8. Corner वाले सारे, ये question हटा दो. Attempt this question. How many of the smaller pieces have exactly two face painted? Ye attempt karo. Tell me, how many of the smaller pieces have two faces painted? Answer this question. थोड़ा सा बुरा बना है, I'll take care of it. चलो, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बॉयज. हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स, 48, सम ऑफ यू आर सेइंग 48.
गिव मी अ मिनट। चालीस सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स कितना होता है बेटा? चालीस सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स कितना होता है? डू वी हैव 216 पीसेस? देखो 210, आप देखो द प्रोडक्ट शुड बी 210, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। हाँ, अगर 216 होता तो 6 into 6 into 6 वॉज ग्रेट, बट 210 है, द प्रोडक्ट शुड बी 210, तो यू विल हैव टू लाइक एडजस्ट द वैल्यूज। 5 into 6 into 7, ठीक है। चलो ये क्यूब है 5 into 6 into 7 का, मैंने इस डायरेक्शन में 5 लिया है, चलो ये है मेरा क्यूब, ये नीचे का पार्ट निकाल दो, ये नीचे का पार्ट निकाल दो, ठीक है, ये नीचे का पार्ट निकाल दो। अब देखो ये मैंने ये डायरेक्शन, मेरे से क्यूब बनाने में गलती हो गई, ये अज्यूम कर लो ये 5, ये 6 है, ठीक है, ये अज्यूम कर लो ये 5 है एंड दिस इज 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 अज्यूम कर लो, इसको 7 अज्यूम कर लो। अब देखो टू फेसेस पेंटेड वाले कहां मिलेंगे? ये आपको मिलते हैं सेंटर में, फेस के सेंटर पे। तो हमारे पास फेस किसका है? फेस डिफरेंट है ना, 5 into 6 का फेस है, 6 into 7 का फेस है, 5 into 7 का फेस है। नाउ दिस इज नॉट अ क्यूब, दिस इज अ क्यूबॉइड एंड द फेसेस आर डिफरेंट। एक है 5 into 6 का फेस, 6 into 7 का फेस, 5 into 7 का फेस, ये चलो अज्यूम कर लो, ठीक है, ये दिस आर द 3 डिफरेंट फेसेस। ये जो 5 into 6 का फेस है, इस पे मिडिल में जो आएगा, जो हमारा टारगेट एरिया है, उसका डायमेंशन इज 3 into 4, 6 into 7 है, हमारा जो टारगेट इज 4 into 5, और 5 into 7 का है हमारा टारगेट है 3 into 5, सो टुगेदर दे आर 12 plus 20 plus 15 47, और ऑपोजिट में भी फेस है, 5 into 6 वाले दो फेस है, 6 into 7 वाले दो फेस है, एंड 5 into 7 वाले दो फेस है, सो टोटल वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 2, द आंसर इज 94, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 94। रुको एक मिनट, वापस से ना इसको अच्छे से करता हूं, ठीक है। 5 into 6 into 7, ठीक है, 5 into 6 into 7, 5 into 6 into 7, अच्छा 2 फेसेस चाहिए था, मैं 1 फेस कर दिया, सॉरी। हाँ देखो 5 into 6 into 7 हमें चाहिए क्या? 2 फेस पेंटेड, यस, LBH, इसको LBH बोलते हैं, लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 6, हाइट इज 7, ठीक है। टू फेस पेंटेड वाले ये कहां मिलते हैं? एजेस पे, ये मिलते हैं एजेस पे, सो दे विल बी फाउंड ऑन 12 एजेस,
दे वुड बी फाउंड ऑन 12 एजेस. वो जो मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन दिया वो वन फेस पेंटेड के लिए दे दिया, सॉरी टू फेस पेंटेड. वेयर आर द लोकेटेड ऑन द एजेस, देयर आर 12 एजेस, सो दे वुड बी फाउंड ऑन 12 एजेस, यस और नो. अब एजेस यहां पे सिमेट्रिकल नहीं है. वी हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. वी हैव 5 क्यूब्स ऑन लेंथ, वी हैव 6 क्यूब्स ऑन ब्रेथ एंड वी हैव 7 क्यूब्स ऑन हाइट, यस और नो. अच्छा, एक लेंथ पे कितने क्यूब्स है? 5. एक ब्रेथ पे कितने क्यूब्स है? 6. एक हाइट पे कितने क्यूब्स है? 7. करेक्ट. इन 5 में से कितने क्यूब्स टू फेसेस पे पेंटेड होंगे? 3. करेक्ट. इन 6 पे से ब्रेथ पे 6 के 6 क्यूब्स है, कितने टू फेसेस पे पेंटेड होंगे? 4. और हाइट पे 7 क्यूब्स है, करेक्ट. कितने पेंटेड होंगे टू फेसेस पे? 5. यस और नो. एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट, करेक्ट. लेकिन टोटल लेंथ होता कितना है? 12 एजेस में 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट होते हैं. 12 एजेस में 4 आर अलोंग लेंथ, 4 आर अलोंग ब्रेथ, 4 आर अलोंग हाइट. सो दिस इज फॉर 1. 4 के लिए क्या हो जाएंगे? 12. दिस इज फॉर 1. 4 के लिए क्या हो जाएंगे? 16. दिस इज फॉर 1. 4 के लिए क्या हो जाएंगे? 20. सो टोटल आंसर शुड बी 48. यस, टोटल आंसर शुड बी 48. रिमेंबर द बेसिक्स, टू फेसेस पेंटेड वाले मिलते हैं एजेस पे. सो एजेस 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट है. लेंथ का यूनिट इज 5, ब्रेथ का यूनिट इज 6, एक हाइट का यूनिट इज 7. सो एक लेंथ से आपको 3 क्यूब मिलेगा, 4 लेंथ से आपको टोटल 12 क्यूब मिलेगा. एक ब्रेथ से आपको 4 क्यूब मिलेगा, 4 ब्रेथ से आपको 16 क्यूब मिलेगा. एक हाइट से आपको 5 क्यूब मिलेगा, 4 हाइट से आपको 20 क्यूब मिलेगा. एड ऑल ऑफ देम, एड ऑल ऑफ देम, यू विल गेट 48 एज द आंसर. एम आई क्लियर विद दिस? चलो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन लेंथ, ब्रेथ, हाइट, द डायमेंशंस आर 5, 6, 7. ठीक है. अब देखो, वन फेस पेंटेड वाले वेयर आर दे फाउंड? दे आर फाउंड ऑन फेसेस. हाउ मेनी फेसेस डू वी हैव? वी हैव सिक्स फेसेस. We have 6 faces. और faces बनते कैसे हैं? 2 face बनेगा आपको length और breadth से, 2 face बनेगा आपको length और height से, और 2 face बनेगा आपका breadth और height से. Yes or no? हाँ, one face वाला कर रहे हैं. देखो one face वाला correct. Faces पे मिलते हैं वो, ठीक है. Total 6 faces है. 6 faces में 2 face बनेंगे आपके length और breadth से, 2 फेसेस बनेंगे आपको लेंथ और हाइट से, 2 फेसेस बनेंगे ब्रेथ और हाइट से. यस और नो? यस. अब लेंथ का डायमेंशन क्या है? 5 × 6. ठीक है. हमारा टारगेट क्या है? ये तो पूरा ब्रेथ वो हो गया, पूरा फेस का डायमेंशन हो गया. हमें सेंटर वाला चाहिए, तो हमारा टारगेट इज व्हाट? 3 × 4. हमारा टारगेट इज 3 × 4, 12.